हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर एक, जो कि 6 तारीख के लिए है, उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी मानचित्र पर आधारित है, यानी मानचित्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे मानचित्र बनता है, क्या उसका पैमाना होता है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानचित्र। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मानचित्र क्या है, कोई चपटी सतह है, उस पर पृथ्वी के पूरे भाग का या एक भाग का पैमाने के माध्यम से, पैमाना मतलब कि एक मापन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक मिनट, ये आप देख रहे हैं और इस पर अगर भारत का ऐसे ऐसे नक्शा बना है तो ऐसा नहीं कि ऐसे बन गया है, इसमें मान लीजिए ये अगर 400 मीटर का है, किलोमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर कर दिया जाएगा। तो उसी पैमाने पर फिर जितनी भी दूरी रहेगी वो 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर, तो एक पैमाना रहेगा कि दूरी का क्या रहेगा और चीज़ों को प्रदर्शित करने का। तो जैसे आप देखेंगे किस रंग से कौन सा स्थान प्रदर्शित होता है, ये भी इसमें होता है। क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, तो पृथ्वी कैसी है, कैसी दिखती है चारों तरफ से, तो उसकी अनुभूति के लिए ग्लोब बनाया जाता है। तो ग्लोब जो है, अगर पृथ्वी पर कोई स्थान है उसको देखने के लिए और उसको विजुलाइज करने के लिए ज़्यादा आसान होता है। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक, यानी ऐसे मानचित्र होते हैं जिनमें क्या किसका चित्र होता है, प्राकृतिक आकृति, यानी पर्वत का, पठार का, मैदान, नदी, महासागर आदि का इनमें दृश्य दिखाया जाता है, इनके चित्र बने होते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाया जाता है। प्राकृतिक मानचित्र में सीमाएँ और शहर नगर नहीं दिखाए जाते हैं, राजनीतिक में दिखाया जाता है। थीमेटिक ऐसे मानचित्र होते हैं जो किसी विशेष थीम पर, जैसे सड़कों का मानचित्र हो, वर्षा का हो मानचित्र हो, वन का, उद्योग का हो, ऐसे मानचित्र, जैसे मान लीजिए ये भारत का है, एक मिनट थोड़ा गलत बन गया, ये मान लीजिए भारत का जैसे नक्शा बना है, यहाँ पर यदि मुंबई है, चेन्नई है, केरल है, काज राज्य है, नहीं यहाँ हैदराबाद है, तो बीच बीच शहर दिखाए गए हैं केवल उसमें, तो थीमेटिक मानचित्र होगा। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्र में जुड़ गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के संग्रह रूपी किताब को एटलस कहा जाता है। एटलस क्या होता है, ऐसे किताब जिनमें मानचित्रों का संग्रह होता है, यानी एटलस में कई सारे तीनों प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं। अब मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, क्या क्या, दूरी होती है एक, दिशा और प्रतीक। यानी कोई भी मानचित्र जो होता है उसकी एक दिशा होती है और दूरी, यानी कितनी दूरी पे कोई स्थान है। मान लीजिए कि ये आपका स्क्रीन है और इसी में आपको विश्व का पूरा मानचित्र बनाना है, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, उसको मानचित्र पे उतना बड़ा मानचित्र तो बनेगा नहीं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जैसा मानचित्र है उसी दूरी के हिसाब से वो बनाया जाता है। और दिशा, दिशा भी होती है कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ऐसी दिशा। और प्रतीक, तो प्रतीक क्या होता कि कौन सा स्थान है उसके लिए क्या प्रतीक बनाया दिया जाता है, ये 3 चीज़ें मानचित्र में होती हैं। पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है पैमाना, तो दूरी के लिए पैमाने का प्रयोग होता है कि किस पैमाने पर दूरी का प्रयोग हो रहा है। मानचित्र में ऊपर की दिशा क्या होती है, ये उत्तर होती है, यह दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है, ये पूरब होगी। अब ये उत्तर पूर्व होती है, ये उत्तर पश्चिम होगी, ये पश्चिम दक्षिण होगी, ये दक्षिण पूर्व होगी या पूर्व, तो ये दिशाएं होती हैं। अब क्या है,
बीच की चार दिशाएं होती हैं। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक प्रतीक या आकृति। इन प्रतीकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी जो मानचित्र पर प्रतीक बनाए जाते हैं तो वो एक ही हर मानचित्र में एक तरह के, जैसे कि ये रूढ़ प्रतीक होते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ के लिए कहीं काला हो गया, कहीं नीला हो गया, कहीं हरा हो गया, नहीं। मानचित्र में अगर नीले रंग किसके लिए होता है, पानी के लिए नीला रंग होता है, भूरा रंग पर्वत के लिए होता है, पीला रंग पठार के लिए होता है, और मैदानी प्रदेशों के लिए क्या होता है, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बनते हैं, मतलब उनका जो रंग होता है, क्या किसके किस चीज़ के लिए क्या प्रतीक चिन्ह होगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति होती है। ऐसा नहीं कि हर देश का अलग अलग अपना रंग या प्रतीक चिन्ह अपना लेगा, तो उससे क्या होता है कि पूरे विश्व के मानचित्र को देखने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब आप तो देख रहे हैं ये कंपास दिशा सूचक है, इसमें हमने बता ही दिया। आगे अब आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देखते हैं। किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार का होगा? तो आपने देखा वर्षा का हो गया, उद्योग का हो गया, रेल का हो गया, सड़क का हो गया, ऐसे के लिए कौन से मानचित्र होते हैं? तीसरा प्रकार थीमैटिक, तो थीमैटिक जो होता है वो वाला मानचित्र होगा इसमें। भारत की नदियों के लिए, अब देखिए जहाँ पे पर्वत पठार नदी इन सब के लिए कौन सा होता है प्राकृतिक मानचित्र, क्या प्राकृतिक। विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र क्या होगा? वो होता है राजनैतिक, जहाँ पे देश उनकी राजधानी सीमाएं होती हैं उसमें राजनैतिक मानचित्र होता है। मानचित्र का क्या अर्थ है बच्चों, देखिए मानचित्र का क्या अर्थ है, ऊपर आपने पढ़ा है, वहीं से आपको उत्तर लिखना है। और पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? क्योंकि ग्लोब क्या होता है, गोल पृथ्वी के आकार का एक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, जिससे पृथ्वी पर स्थान और उस स्थान पर क्या जलवायु होगी, कैसा वो महसूस होगा, मतलब कैसी आपके दिमाग में उसका चित्रण आएगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। इसलिए मानचित्र की अपेक्षा ग्लोब ज़्यादा बेहतर होता है। नीचे प्रमुख दिशाओं को बताइए बच्चों, ये आप खुद करिए, हमने अभी बताया है ऊपर कि सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, नीचे और दाएं और बाएं कौन सी दिशा होती है, ये आप करके अपने क्लास टीचर से चेक कराइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।